हेलो एवरीवन, मैं धीरज यादव आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमिटी पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का लेक्चर 3, और रीजनिंग का लेक्चर 3 होने के साथ साथ ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 भी होने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया, जहां पर हम लोगों ने चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो हम लोगों ने अभी तक अल्फाबेटिकल कोडिंग, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल्फ कोडिंग और न्यूमेरिकल कोडिंग, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को भी डिस्कस किया। आज हम लोग यहाँ पे कॉमन वर्ड कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग की बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें इस प्रकार के प्रश्न की, तो ये आपके बैंकिंग के एग्जाम, SSC के एग्जाम या फिर किसी भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करते हैं, तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मैं बात करूं प्रीवियस सेशन में, तो वहां पे भी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर जो भी यहाँ पे टॉपिक्स या जो भी क्लासेस पढ़ाई जा रही है, इसका हमें शॉर्ट नोट्स या फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जा चुका है। और अगर हम बात करें आपके शॉर्ट नोट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया, students.competitioncommunity.com पे आप विजिट करेंगे, जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हर एक लेक्चर का शॉर्ट नोट्स आपको वीडियो के बाद में, अगर आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो वहां पे आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। अगर हम आज के सेशन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, चाहे हम बैंकिंग के एग्जाम की बात करें, SSC के एग्जाम की बात करें, रेलवे के एग्जाम की बात करें, या किसी अदर स्टेट लेवल एग्जाम की हम लोग बात करें, यहाँ पे मैं आपसे वेरियस अप्रोच डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि अलग अलग एग्जाम में आपको अलग अलग अप्रोच यहाँ पे फॉलो करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस आपको दोनों माध्यम में दिए गए हैं, यानी कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि हम पर्टिकुलर जिस एग्जाम के लिए यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें SSC के एग्जाम की, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे एक या मैक्सिमम दो नंबर तक के पूछे जाते हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें बैंकिंग के एग्जाम में, तो बेसिकली आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूरे 5 नंबर तक के आपको देखने को मिलेंगे। तो जब कभी भी आपसे 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपका अप्रोच क्या होगा, और जब कभी भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे अप्रोच क्या होगा। और यहाँ पे मैं वेरियस अप्रोचेस की बात करने वाला हूँ, यानी कि जब अगर हम बात करें एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा तब आपको क्या कर लेना है, और ऑफलाइन मोड में होगा तब आपको क्या कर लेना है। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन के बारे में मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, कॉमन वर्ड कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग। तो कॉमन वर्ड अगर हम कोडिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपको कॉमन एलिमेंट्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको आपके पास यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि अगर मैं दिए गए प्रश्न की बात करूं, तो यहाँ पे आपसे पूछा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टिक टू टैक, यानी कि TIK, TUK और TAK मीन्स ही इज हैप्पी। इसी प्रकार आपको दिया गया है TUK, TEK और TEK और TOK मीन्स हैप्पी एंड एंजॉय, और आपको लास्ट में दिया गया है TUK, HIT, TIK मीन्स गुड इज हैप्पी। पूछा किसके लिए गया है, तो आपसे गुड के लिए पूछा गया है कि क्या कोड होगा। यानी कि यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले 1 नंबर का जब प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपका अप्रोच क्या होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना कुछ नहीं है, जब भी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार का प्रश्न, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे कोड पूछा गया है गुड का, यहाँ पे आपसे कोड पूछा गया है किसका, गुड का। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में गुड कहाँ पे दिया गया है, तो क्वेश्चन में गुड आपको दिया गया कहाँ पे, थर्ड वाले सेंटेंस में। तो अगर यहाँ पे गुड हमें कहीं और पे भी क्या मिल जाता, कॉमन मिल जाता, यानी कि कहीं और हमें अगर गुड कॉमन मिल जाता, तो हम इजीली क्या करते, गुड के लिए यहाँ से कॉमन एलिमेंट पिक कर लेते। लेकिन अब हमें यहाँ पे गुड कहीं और लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, इस पर्टिकुलर अगर हम पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे हमें कहीं और गुड लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या कर लेना है, हमें जो यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड्स यानी कि इज और हैप्पी, इसका कोड फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे भी आपको इज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको इज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको हैप्पी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको हैप्पी दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम इन दो सेंटेंसेस की बात करें, तो यहाँ पे आपको दो एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और वो दो एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे,
तो एक हो जाएगा टी आई के और एक हो जाएगा टी यू के। दोनों में आप देख सकते हैं टी आई के और टी यू के, यानी कि बचा हुआ केवल और केवल एक एलिमेंट आपके पास यहाँ पे रह जाएगा जो कि क्या है, एच आई टी। इट मीन्स अगर हम बात करें गुड के कोड की तो क्या हो जाएगा, एच आई टी। तो जब कभी भी आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, गुड यहाँ पे है मान लेते हैं, अगर हम एक नंबर के प्रश्न की बात करें और यहाँ पे आपसे पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर इज, तो आपको क्या कर लेना था, इज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे हैप्पी भी है, लेकिन ध्यान अगर आप दें तो हैप्पी आपका तीनों में कॉमन है, तो एक एलिमेंट क्या होगा, तीनों में कॉमन होगा। बाकी अगर हम बात करें दूसरे एलिमेंट की तो वो केवल और केवल थर्ड और फर्स्ट में क्या होगा, कॉमन होगा। और केवल फर्स्ट और थर्ड में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, टी आई के। तो मान लेते हैं अगर आपसे प्रश्न में पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर इज, तो आप सिंपली आंसर कर सकते थे क्या, टी आई के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी यू के आपको तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे तीनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, हैप्पी। इट मीन्स हैप्पी का कोड क्या हो जाएगा, टी यू के। और अगर हम बात करें इस के कोड की तो इसका कोड क्या हो जाएगा, टी आई के। तो ये तो हो गई बात किसकी, जब हमसे एक नंबर तक का प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए। अब जब आपसे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और वहां पे क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम किसी अगर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो फिर एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। तो ध्यान दीजिए जब आपसे 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछेगा तो वेरियस क्वेश्चन जहां पे आपको दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्रोच क्या करना है, अगर आप इसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं आपका पेपर कैसा है, ऑफलाइन है, तो उस केस में आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप पेपर पे ही डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपका पेपर ऑनलाइन है तो उस केस में आप क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ लोग स्क्रीन पे ही बना लेते हैं, है ना। चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको करना क्या होता है, जब आपसे 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको सारे एलिमेंट्स को क्या कर लेना होता है, सेपरेट कर लेना होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, तो इसको अगर मैं यहाँ पे सर्कल करूं तो यहाँ पे इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, टी आई के, क्योंकि टी आई के फर्स्ट और थर्ड में क्या है, कॉमन एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें हैप्पी की, तो अगर हम हैप्पी को अंडरलाइन करें तो हैप्पी आपका तीनों में कॉमन है, तो हम तीनों में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टी यू के क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट हो जाएगा, तो तीनों में हमें क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिमेनिंग एलिमेंट आपका क्या है, एच ई यानी कि ही, और यहाँ पे रिमेनिंग कोड क्या हो गया, टी ए के। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास 2 एलिमेंट है, एंड और एंजॉय, यानी कि हम टी ई के और टी ओ के में से हम बता नहीं सकते कि कौन सा वाला कोड एंड का होगा और कौन सा वाला कोड एंजॉय के लिए होगा। जबकि हम लास्ट वाले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग जो वर्ड है वो क्या बच रहा है, गुड बच रहा है, और यहाँ पे आपको दिया गया एच आई टी, यानी कि एच आई टी क्या हो जाएगा, कोड किसके लिए, गुड के लिए। यहां तक बात समझ में आई। इसके अलावा मान लेते हैं कुछ आपको एलिमेंट दिया होता तो आप क्या करते, किसी में हमने स्क्वायर कर दिया, किसी पे हमने कट कर दिया, किसी पे हमने ट्रायंगल कर दिया, तो आपको करना क्या, सुंदर सुंदर सी आकृतियां नहीं बनानी, क्योंकि आपको आकृतियां बनाने के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, क्लियर। यहाँ पे आपको आकृतियों को बनाने के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तो सिंपली क्या कर लेना है, आपको अलग अलग यहाँ पे वर्ड्स को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे कि हैप्पी को हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया था, तो हैप्पी को हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपली अंडरलाइन कर लिया था, जो कि कोड जिसका कोड क्या था, टी यू के। फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसको सर्कल से आइडेंटिफाई कर लिया था, जो जिसका कोड क्या था, टी आई के। अब हम बात कर लेते हैं यहां से बनने वाले प्रश्नों की। अब मान लेते हैं आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर एंड, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर एंड, यानी कि एंड के लिए कोड क्या होगा। तो एंड के लिए आप यहां पे देख सकते हैं 2 एलिमेंट आपके बच रहे हैं, कौन कौन से, टीई के और टी ओ के, यानी कि इनमें से कोई भी एक एलिमेंट आपका कोड हो सकता है, किसके लिए, एंड के लिए। इन द सेम वे अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर एंजॉय, तो इन दोनों में से कोई एक कोड हो सकता है एंजॉय के लिए, यानी कि हम बता नहीं सकते। तो उस केस में अगर आपसे हम ऑप्शंस की बात करें, तो मान लेते हैं आपको ऑप्शन दिया गया है टीई के, टी ए के, टी यू के और टी आई के।
और एक अगर हम ऑप्शन की बात करें तो HIT। अगर ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपका आंसर क्या होगा? कोड किसके लिए हम पूछ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, कोड हम पूछ रहे हैं एंड के लिए, और इन द सेम वे हम बात करेंगे किसके लिए, एंजॉय के लिए। और मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो हमने कहा कोड किसके लिए, नाइस के लिए, यानी कि हम यहाँ पे तीन वर्ड्स के लिए कोड निकालने की बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने कहा, अगर मान लेते हैं आपसे पूछा गया है कोड किसके लिए, एंड के लिए, और ऑप्शन ये चार दिए गए, तो आप क्या करोगे? इन द सेम वे अगर हम बात करें टीओके टीईके टीयूके टीआईके HIT, तो आप किस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे? फिर हमने कहा टीओके टीई टी ए के, फिर हमने कहा टी आई के, फिर हमने कहा आइदर टी ओ के और टी ई के, फिर हमने कहा यदि आपसे पूछा जाए टी ओ के टी ए के टी आई के HIT CND। इन द सेम वे यहां पे कुछ हम और भी विकल्पों की बात करेंगे। तो समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, एंड के लिए, यानी कि यदि आपसे इसी प्रश्न में पूछ लिया जाता कि व्हाट विल बी द कोड फॉर एंड इन द गिवन कोड लैंग्वेज, यानी कि दिए गए कोड भाषा में एंड के लिए कोड क्या होगा, और आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए होते, तो यहाँ पे हम लोग बात करें, जब बैंकिंग के एग्जाम की बात करेंगे, यानी कि जब आपसे 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको एक प्रश्न इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, जिसका कोड क्लियर नहीं होगा। और एक प्रश्न की बात करें तो एक ऐसे एलिमेंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको दिए गए सेंटेंसेस में कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। तो दोनों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एंड के लिए कोड, अगर हम इन ऑप्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, टी ई के। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन अपने पास हो सकता था क्या, टी ओ के, जो कि कहीं पे भी आपको दिया नहीं गया है। इन द सेम वे यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन दिए गए ऑप्शंस में, तो आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, टी ओ के। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, टी ई के, जो कि आपको बचे हुए विकल्पों में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस प्रकार से, आपके पास जब ऑप्शन आ जाएगा, तो इस केस में आप किसको प्रेफर करोगे, आइदर टी ओ के और टी ई के, यानी कि या तो कोड क्या हो जाएगा, टी ओ के हो जाएगा, या फिर कोड क्या हो जाएगा, टी ई के हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस पर्टिकुलर ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपके पास एक ही विकल्प है, टी ओ के, या फिर हो सकता था आपके पास टी ई के भी विकल्प दिया जाता, या दोनों को एक साथ भी रख दिया जाता, लेकिन दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें प्रायोरिटी की, तो प्रायोरिटी आपकी क्या होती, सी एन डी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब इसके अलावा भी वेरियस कॉम्बिनेशन के साथ में आपके विकल्प बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम इसके जगह पे लिख दें, मान लेते हैं इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं यहां पे टी ई के, और इसकी जगह पे मैं लिख दूं आइदर टी ई के और टी ओ के, लास्ट वन आपका सी एन डी एज इट इज बना रहता, तो उस केस में आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, तो उस केस में आपकी प्रायोरिटी हो जाती है आइदर टी ई के और टी ओ के, यानी कि आप निर्धारित तो कर सकते हैं, यानी कि आप निर्धारित तो कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा, ये आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कौन सा है। तो आपकी आपका जो प्रेफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइदर और के साथ हो जाएगा।
इसी प्रकार हम बात करते हैं नॉन ऑफ दीज के कॉम्बिनेशंस के साथ में भी आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। तो जब हम बैंकिंग का बैच लेकर के आएंगे तो वहां पे सारे ही प्रकार के बनने वाले पॉसिबिलिटीज की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए जब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि यदि मान लेते हैं आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर नाइस, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां मैं ऑप्शंस में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं, ये तीन विकल्प हमारे पास हैं। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं MET, यहां पे हम लिख देते हैं DAN, सारे को स्मॉल में लिखे तो इसको भी लिख देते हैं स्मॉल में ही। चलिए अब यहां पे अगर हम आपसे पूछें विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर नाइस इन द गिवन कोड लैंग्वेज, यानी कि अगर आप ध्यान दें तो पूरे के पूरे यहाँ पे जो दिए गए आपके वर्ड्स हैं कहीं पे भी आपको नाइस लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपसे नाइस के लिए कोड पूछ लिया गया, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ध्यान दीजिए टीई के नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि टीई के या फिर हम बात करें टीओके की तो ये कोड किसके लिए हो जाएंगे? या तो एंड के लिए हो जाएंगे या तो एंजॉय के लिए हो जाएंगे, क्लियर। इसी प्रकार अगर हम बात करें टीएके की तो टीएके आपका कोड किसके लिए दिया गया है? तो टीएके कोड आपका दिया गया है ही के लिए, क्लियर। इसी प्रकार हम बात करें टीयूके की तो टीयूके कोड किसके लिए दिया गया है? तो टीयूके कोड आपका दिया गया है हैप्पी के लिए। टीआईके भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि टीआईके कोड किसके लिए है? इसके लिए है। लेकिन हम बात करें एमईटी की तो दिए गए विकल्पों में हमें पता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी कि चार विकल्प तो हमारे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो जो हमारा प्रेफरेंस होगा वो किसके साथ में होगा? वो हमारा हो जाएगा पांचवे ऑप्शन के साथ में। अब ये पांच ऑप्शन देख के कंफ्यूज ना होना, मैं बैंकिंग के एग्जाम की बात कर रहा हूं, क्लियर। इन केस अगर आपसे चार विकल्प के साथ में आपके एग्जाम में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसको बना सकते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं इस दिए गए ऑप्शन की तो हमें पता है टीओके नहीं हो सकता, टीएके नहीं हो सकता, टीयूके नहीं हो सकता, टीआईके नहीं हो सकता, तो बचा क्या आपके पास? डीएएन, यानी कि ये या आपका क्या हो जाएगा? एक विकल्प हो जाएगा। यदि मैं इस ऑप्शन की बात करूं, मान लेते हैं हम यहां पे लिखते हैं, चलो MET ही लिख देते हैं, और एक विकल्प आपको दिया जाता है CND, यानी कि कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो इस केस में आप ऑप्शन का प्रेफरेंस कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हमें यह पता है कि TOK नहीं हो सकता, TEK नहीं हो सकता, TAK भी नहीं हो सकता, किसके लिए कोड? नाइस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें MET और CND में से कौन सा वाला ऑप्शन हमें प्रेफर करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे NIC यानी कि नाइस के लिए कोड MET ही हो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे जो हमारा प्रेफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? CND हो जाएगा, यानी कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि नाइस के लिए कोड MET होगा अथवा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो देखो ऑप्शन का प्रेफरेंस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पहलू होने वाला है आपके सिलेक्शन में, यानी कि अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन आप कैसे पिक करते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गई कुछ बातें कि यहाँ पे किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो सिंपली आपको एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान सी भाषा में यहाँ पे दिया गया होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो फिर से एक नंबर का क्वेश्चन, और एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा? सिंपली हमें देखना है कोड किसका पूछा गया है, कोड हमसे पूछा गया है अस का। अब या तो अपने को अस कहीं पे कॉमन मिल जाए या तो जो रिमेनिंग वर्ड है उनका अपने को कहीं से क्या मिल जाए? कोड मिल जाए। तो लेट का कोड हमको यहाँ से मिल रहा है, और अगर हम बात करें इन दोनों में कॉमन क्या है तो इन दोनों में कॉमन है आपका का, और अगर हम बात करें गो की तो गो का कोड हमको यहाँ से मिल रहा है, और इन दोनों में कॉमन आपका क्या हो जा रहा है? रा। अब बताओ अस का कोड क्या हो जाएगा? तो बच रहा है सिंपली अपने पास एल ए यानी किला, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला है, आप आसानी से 1 नंबर के क्वेश्चन को देख के ही हल कर सकते हैं, आपको इवन पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ, अच्छा यहाँ पे एक और आपके पास अप्रोच है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग सेंटेंसेस को लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस को क्या करना होगा, कंप्लीट हमें लिखना होगा, यू आर वेलकम जैसे दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी अपने को कॉमन मिलेगा, जैसे कि आर कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से लगाएंगे, और उसके बचे हुए रिमेनिंग सेंटेंसेस को आगे लिखेंगे। तो इस वाले अप्रोच के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग बैंकिंग के एग्जाम की बात कर रहे होंगे। चलिए अब अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पूछे गए प्रश्न की, तो पूछा गया आपसे किसका कोड पूछा गया आपसे यहाँ पे, पीपल का। पीपल के लिए कोड क्या होगा, तो पीपल की अगर हम बात करें तो पीपल आपको कहाँ दिया गया है, फोर्थ सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है, और आपको कहीं पीपल दिखाई दे रहा है तो, और आपको कहीं पे भी पीपल लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे बचे हुए एलिमेंट की, तो दे हो गया, वेलकम हो गया, गुड हो गया। तो गुड आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि तीन जगह आपको गुड यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो तीन जगह आपके कोड भी कॉमन दिखाई देंगे। अगर हम कॉमन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ला मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको ला मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको ला मिल रहा है, यानी कि गुड के लिए कोड हो गया ला, बचा यहाँ पे वेलकम और दे। तो दे इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में अगर हम कॉमन एलिमेंट की बात करें तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आप क्लियरली देख सकते हो एच ओ, यानी कि दे के लिए कोड क्या हो जाएगा, एच ओ। बचा अपने पास वेलकम और यहाँ पे भी वेलकम, तो इन दोनों में अगर हम बात करें कॉमन एलिमेंट की, तो कॉमन एलिमेंट आप क्लियरली देख सकते हैं पी आई टी। इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे किसके लिए, पीपल के लिए, तो पीपल के लिए अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो क्या हो जाएगा, ओ डी। क्लियर, यानी कि अगर हम बात करें सही विकल्प की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। चलिए अब जैसे हम बात करें कॉमन वर्ड कोडिंग की, तो यहाँ पे भी देख लीजिए कुछ लेटर के फॉर्म में भी कई बार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक ही वर्ड में अगर हम बात करें यहाँ पे तीन लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको कोड के रूप में तीन सिंबल दिए गए हैं, आर यू एन। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया है वोट, वी ओ टी ई, और यहाँ पे आपको चार सिंबल दिखाई दे रहे हैं। पूछा किसके लिए गया है, टोन के लिए। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे देखो दोनों में फर्क क्या है, इस पे ध्यान देना, यहाँ पे सीक्वेंस आपका मैटर नहीं करेगा। सीक्वेंस की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे टी आई के आपका फर्स्ट एलिमेंट है, और अगर हम इसकी बात करें तो आपका सेकंड एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे आपका सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा कि वो किस पोजीशन पे आ रहे हैं। जबकि हम बात करेंगे जब इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सीक्वेंस आपका मैटर नहीं करेगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीक्वेंस आपका मैटर करेगा। यानी कि बात करेंगे हम पोजीशन की, तो एलिमेंट का पोजीशन ये डिसाइड करेगा कि किस लेटर का कोड क्या है। जैसा कि आप रन और वोट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं देख पा रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो आप उनकी पोजीशन के आधार पर डिसाइड करोगे कि किस लेटर के लिए कौन सा वाला कोड होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं पूछे गए यहाँ पे शब्द की, तो पूछा गया है टोन के लिए, और टी अगर हम देखें तो वोट में और टोन दोनों में कॉमन है। टी की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो टी की पोजीशन है थर्ड, और थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है कॉपीराइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट, जो कि केवल और केवल आपको एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर भी इजिली मार्क कर सकते थे आंसर किसके लिए, पूछे गए वर्ड के लिए, टोन के लिए। आगे की अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको वेरीफाई नहीं करना है, वेरीफाई करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो ओ यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट है, और ओ यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट है, सेकंड नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा, हैश मिल जाएगा। थर्ड एलिमेंट की बात करें तो एन यहाँ भी थर्ड एलिमेंट है, एन यहाँ भी थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा आपको एट द रेट। और ई की बात करें हम, तो वोट में ई लास्ट एलिमेंट है और टोन में भी ई लास्ट एलिमेंट है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय का साइन। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न
की। अगले यदि मैं पूछे गए प्रश्न की बात करूं तो आपको दिया गया है सेंड के लिए कोड, एंड के लिए, और पूछा किसके लिए है, टेन के लिए। इस बार आप दोनों में कॉमन एलिमेंट भी देख सकते हो, यहाँ पे एन सेकंड पोजीशन पे है एंड में, और सेंड में आपका थर्ड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे अगर हम एलिमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे डॉलर दिया गया है, और सेकंड पोजीशन से यहाँ पे हम एलिमेंट की बात करें तो आपको डॉलर दिया गया है। यानी कि मैंने कहा यहाँ पे पोजीशन क्या करेगा, मैटर करेगा। 10 के लिए पूछा गया है, 10 लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट में आपका कोड क्या है यहाँ पे। फिर हम बात करें सिमुलेशन हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें ई की, तो ये आपका यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, यहाँ भी सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। फिर हम बात करें एन की, तो एन हो गया आपका थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, डॉलर। यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पढ़े, अब इनको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी के सभी प्रकार के प्रश्नों की हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में जो भी अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा यानी कि जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैं बार बार आपको प्लेस वैल्यू और जो भी हम लोग लॉजिक्स लगाते थे, अपोजिट लेटर या पैटर्न, ये सब ड्रॉ करके नहीं दिखाने वाला, यहाँ पे आपको स्पीड के ऊपर काम कर लेना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग बनाएंगे फटाफट। चलिए, तो अगर हम बात करें पूछे गए प्रश्न की, पूछा किसके लिए है, फेवर के लिए। कोड आपको दिया गया फेवर का, और पूछा आपसे डेंजर के लिए। क्लियर? फेवर का अगर हम कोड की बात करें तो आप देख सकते हैं, पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूछा गया प्रश्न आपका किस प्रकार का प्रश्न है, तो यह आपका सेल्फ कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके दिए गए वर्ड के ही एलिमेंट आपको दिखाई देंगे किसमें, कोड में। केवल और केवल परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा, इनके सीक्वेंस में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को यहाँ रख दे रहा है, एफ को यहाँ रख दे रहा है, ओ को यहाँ रख दे रहा है, वी को यहाँ रख दे रहा है, आर को यहाँ रख दे रहा है, और यू को यहाँ रख दे रहा है। तो पूछा किसके लिए गया, डेंजर के लिए पूछा गया, तो ए यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा, और ई यहाँ हो जाएगा। विकल्प की अगर हम बात करें, सबसे पहले हो जाएगा ए डी जी एन, ए डी जी एन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आर ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो वर्ड दिया गया आपको थैंक्स, और पूछा किसके लिए गया है, वेलकम के लिए। तो क्लियरली देख सकते हो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए का अपोजिट Z, और N का अपोजिट M, K का अपोजिट P, और S का अपोजिट H। तो अपोजिट लेटर का यहाँ पे आपको लॉजिक देखने को मिल रहा है, पूछा किसके लिए गया है, वेलकम के लिए। तो W का अपोजिट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, E का अपोजिट V हो जाएगा, L का अपोजिट O हो जाएगा, C का अपोजिट X हो जाएगा, O का अपोजिट L हो जाएगा, M का अपोजिट N, और E का अपोजिट V, यानी कि ऑप्शन नंबर B। क्लियर? बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेवर इज रिटन एज GCYLSQ, और पूछा किसके लिए गया है, ब्राइट के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे लॉजिक की, तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है और जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, यानी कि 6 से 7, फिर 1 से 3, फिर 22 से 25, फिर 15 से माइनस हो रहा है कितना, 3, 12, 21 से माइनस हो रहा है 2, 19, और 18 से माइनस हो रहा है 1, यानी कि 17। तो यहां पे अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो 6 से 7 यानी कि +1, 1 से 3 यानी कि +2, और 22 से 25 यानी कि +3। नेक्स्ट हम बात करें तो 15 से 12 यानी कि -3, 21 से 19 यानी कि -2, और 18 से 17 यानी कि -1। तो आई होप कि यहाँ पे लॉजिक आपको क्लियर है। बात करेंगे अगर हम इसके आंसर की, तो यानी कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, +1, तो सबसे पहले मिलेगा अपने को सी, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिमेंट की, तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एलिमेंट अलग देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें फोर्थ एलिमेंट की, तो फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जी, और जी में हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, जी पे हम क्या करेंगे,
-3 करेंगे तो यानी कि 7 में से 3 हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा गया है किसके लिए कोड, केरला के लिए, और दिया गया है मद्रास के लिए। मद्रास का कोड दिया गया है HZIWZN। और अगर हम बात करें यहां पे लॉजिक की तो देखो M है और ये H है, तो यहां पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 5 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन A से Z है तो यहां पे आपको -1 दिखाई दे रहा है, D से यहां पे I है तो +5 हो रहा है, और अगर हम बात करें R से W हो रहा है तो +5 हो रहा है, ए से जेड पे बात करें तो -1, और एस से हम बात करें एन की तो -4। चलो देखो, MADRAS, उसके बाद अगर हम कोड की बात करें तो दिया गया HZIWZN। तो ध्यान दीजिए जहां जहां पे भी आपको ए दिखाई दे रहा है वहां पे आपको एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है, जेड दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे वॉवल और कॉन्सोनेंट का भी एक लॉजिक लगा हुआ हो सकता है। यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखो 13, 1, 4, 18, 1 और 19, और यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 14, 26, 23, 9, 26 और 8। लॉजिक की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -5। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे तो -5, अब ये वॉवल है तो अपोजिट लेटर कह सकते हो या -1, दोनों ही यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ए का अपोजिट लेटर भी जेड होता है और -1 भी होता है। तो अगर हम बात करेंगे मद्रास की तो मद्रास में भी दोनों एलिमेंट, सॉरी केरला की, तो केरला में एक एलिमेंट आपको एज अ वॉवल ई दिखाई दे रहा है और एक एलिमेंट एज अ वॉवल आपको ए दिखाई दे रहा है। अगर -1 का लॉजिक लगा होगा तो डी दिखाई देगा, और अगर अपोजिट लेटर का लॉजिक लगा होगा तो वी दिखाई देगा। और अगर हम बात करें ऑप्शन की तो आपको दोनों ही यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, मीन्स लॉजिक यहाँ पे कुछ और ही होने वाला है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करें डी की तो यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ 4 से क्या हो जा रहा है, +5 हो जा रहा है, और यहाँ 18 से क्या हो जा रहा है, +5 हो जा रहा है, यहाँ पे अगेन -1, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, -5 हो जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें सेम पोजिशन पे सेम आप अगर यहाँ पे लॉजिक क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो यानी कि सेम पोजीशन पर अगर आप सेम लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट में आप क्या करते हैं -5 करते हैं, तो के की प्लेस वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पे होती है 11, और 11 में अगर आप क्या करेंगे -5 करेंगे तो आपको मिलेगा 6, जो जो कि आपको किसी भी विकल्प में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इट मीन्स नाउ यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग, यानी कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, जितने भी प्रकार के लॉजिक आपने अभी तक पढ़े हैं, उन लॉजिक को फटाफट से हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कौन सा वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लीकेबल या फिर इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें अपोजिट लेटर के आसपास, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ पैटर्न की, यानी कि यहाँ पे हम लोग पैटर्न के ऊपर भी काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें, अगर आप लोगों को याद हो तो एक पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा था, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं। यहाँ पे पैटर्न 6 एलिमेंट के साथ में पैटर्न की मैं बात करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 एलिमेंट यहां। देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पैटर्न की, तो एक पैटर्न आप लोगों ने इस प्रकार का पढ़ा था जब हम लोगों ने पैटर्न के ऊपर डिस्कशन किया था। चलिए अब इस पैटर्न को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एस के अपोजिट लेटर की, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का इंटरचेंज यहाँ पे आपका लास्ट एलिमेंट से हो रहा है, यानी कि ये पैटर्न तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन यहाँ पे जो आपका अप्लीकेबल हो रहा है, फर्स्ट का इंटरचेंज किससे, लास्ट से, सेकंड का इंटरचेंज सेकंड लास्ट से, यानी कि आपका पैटर्न यहाँ पे ये वाला बनता हुआ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए तो
तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, आर का अपोजिट आई, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ए का अपोजिट जेड और एम का अपोजिट एन। यानी कि हम लोग बात किसकी करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पैटर्न की। अगर हम यहाँ पे पूछे गए वर्ड की बात करें केरला, तो यानी कि फर्स्ट का इंटरचेंज हम कहाँ करेंगे, लास्ट से करेंगे, यानी कि के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, तो लास्ट में आपको क्या मिलना चाहिए, पी, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। ई का अपोजिट क्या होता है, वी, सेकंड लास्ट, आपको सभी में वी दिखाई दे रहा है। आर का अपोजिट आई होता है, थर्ड एलिमेंट, आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में क्या दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ और ए का अपोजिट जेड, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जब कभी भी पैटर्न देखने को मिले, तो आपके जो सेम लॉजिक्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं वो पैटर्न्स के साथ भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, क्या था, अपोजिट लेटर, बस फॉलो किसको कर रहे थे हम लोग, पैटर्न को। यहाँ पे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सीक्रेट इज रिटन एज डब्ल्यू आई जी वी आई एक्स, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर रिवील। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिक की, तो अगर हम बात करें एस की प्लेस वैल्यू की तो 19, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू की तो 23, यानी कितने का डिफरेंस, +4 का। ई की प्लेस वैल्यू 5, आई की प्लेस वैल्यू 9, कितने का डिफरेंस, +4 का। सी की प्लेस वैल्यू 3, जी की प्लेस वैल्यू 7, कितने का डिफरेंस, +4 का। आर की प्लेस वैल्यू 18, वी की 22, कितने का डिफरेंस, +4 का। ई की प्लेस वैल्यू 5 और आई की प्लेस वैल्यू 9, अगेन आपको +4 का डिफरेंस, और टी की प्लेस वैल्यू 20 और एक्स की प्लेस वैल्यू 24, अगेन आपको कितने का डिफरेंस, +4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पूछा किसके लिए गया है, रिवील के लिए, तो 18 चार कितना हो जाएगा, 22, 5 चार 9, 22 चार 26, 5 चार 9, 1 और 4 5, 12 और 4 16। क्लियर, तो आपके दिमाग में अगर प्लेस वैल्यू उस तरीके से छपी है, तो क्वेश्चन कैसा भी हो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम भी सेव करने वाले हैं, और लॉजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, लॉजिक्स के साथ आप फैमिलियर हैं, तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो आप उसको आसानी से हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पूछे गए प्रश्न के विकल्प की बात करूं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, यानी कि वी आई जेड आई ई पी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं, तो आपको दिया गया है रोड इक्वल्स टू 6, माइंड इक्वल्स टू 22, रिस्क इक्वल्स, रिस्क के लिए आपसे कोड पूछा गया है। तो रोड की अगर हम बात करें, तो आर ओ ए डी, नंबर दिया गया है क्या 6, प्लेस वैल्यू की बात करें तो 18, 15, 1, 4। अब इससे आपको क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो सबसे पहले हमने कहा था इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा जो अप्रोच होगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, नहीं बनता है तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू आइदर एज होल और इन यूनिट डिजिट। तो दोनों ही अगर हम यहाँ पे लॉजिक की बात करें, यानी कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू की बात करें या सम ऑफ डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू की बात करें, तो दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा होते दिखाई दे रहे हैं किसके कंपैरिजन में, 6 के कंपैरिजन में। लेकिन जब हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 8, 1, 9, 1, 10, 5, 15, यानी 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और एक को मिलाओगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है हमने क्या किया हो, सभी लेटर के प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का हम लोगों ने क्या किया है, सम किया है, किसमें किया है, यूनिट डिजिट में किया है, और उसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ये एक आपका लॉजिक बन सकता था। तो यहाँ पे हम माइंड के लिए भी चेक करेंगे कि क्या सेम यहाँ पे आपका लॉजिक फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम माइंड में दिए गए लेटर्स के प्लेस वैल्यू की बात करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 9, 14 और 4। अगर इनके हम डिजिट्स का सम करते हैं किसमें, यूनिट डिजिट में, तो 3, 1, 4, 9, 4, 13, फिर से 3, 1, 4 हो जाएगा, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 8। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 22, इट मीन्स यहाँ पे ये लॉजिक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरे लॉजिक्स के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे, यानी कि कुछ और लॉजिक यहाँ पे लगे हुए हो सकते हैं।
तो जो भी लॉजिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं पे हम लोग क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, यानी कि उन्हीं को हम चेक करेंगे कि उन लॉजिक्स में से कोई एक लॉजिक यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। तो बाकी अगर मैं लॉजिक्स की बात करूँ तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है प्लेस वैल्यू 18 और यहाँ पे दिया गया है 4। 18 और 4 कितना हो रहा है, 22, और ये दोनों आपके क्या है, वॉवेल है, 15 और एक 16। तो 22 और 16 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यहां पे भी चेक कर लेते हैं, 13 और 14 इन दोनों को जोड़ोगे तो 27, और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 31, यानी कि 31। 31 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 22, यानी कि यहां पे भी हमको लॉजिक अप्लीकेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूछा किससे, किसके लिए गया है, रिस्क के लिए, तो 18, 9, 19 और 11, क्लियर। 19 और 9 का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे बचेगा 10, 10 और 18 कितना हो गया, 28, 28 और 11 कितने हो गए, 39, यानी कि 39, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है वर्ड ऑपरेशन, और उसके लिए कोड दिया गया है PRHVZUKRR, क्लियर। पूछा किसके लिए गया है, इनविजिबल के लिए पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे लॉजिक की बात करेंगे। तो 15 से हो जा रहा है 16, 16 से हो जा रहा है 18, 5 से हो जा रहा है 8, 18 से हो जा रहा है 22, यानी कि हम बात करें यहाँ पे तो देखिए +1 +2 +3 +4, और ए से हो जा रहा है जेड, तो -1 भी हो सकता है और अपोजिट लेटर भी हो सकता है, अपोजिट लेटर भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो टी से हो जा रहा है यू, यानी कि +1, आई से हो जा रहा है के, यानी कि +2, ओ से हो जा रहा है आर, यानी कि +3, और एन से हो जा रहा है आर, यानी कि +4। तो ये आपको लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पूछे गए अगर हम वर्ड की बात करें तो +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 +4, और एस के लिए या तो अपोजिट लेटर या फिर -1। तो एस का अपोजिट लेटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, एच, यानी कि पांचवा एलिमेंट आपको मिल जाएगा एच, या फिर -1 की बात करें तो मिल जाएगा आर। आर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि पांचवा एलिमेंट क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, जो कि आपको बाकी के तीनों विकल्पों में देखने को मिल रहा है। अब हम +1 +2 +3 +4 के बारे में बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि आपको एलिमेंट अलग देखने को कहाँ पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट की, तो आई में +1 करोगे तो मिलेगा आपको जे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में आपका जो एलिमेंट अलग देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, छठवा एलिमेंट। छठवे अगर हम एलिमेंट की बात करें तो छठवे एलिमेंट में आपको यहाँ पे क्या करना था, +1 करना था, तो 5 6, यानी कि आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। दिया गया वर्ड है टॉपिक, और अगर हम बात करें प्रश्न के प्रकार की, तो एक ऐसा प्रश्न है आपका सेल्फ कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। लॉजिक की अगर हम बात करें तो CIPOT, ध्यान दीजिए CIPOT, और गिवन वर्ड क्या था, टॉपिक TOPIC, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ चला गया, लास्ट चला गया, सेकंड एलिमेंट कहाँ चला गया, सेकंड लास्ट चला गया, थर्ड वाला थर्ड पे आ गया लास्ट से, और फोर्थ वाला सेकंड पे आ गया स्टार्टिंग से, और लास्ट वाला आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, क्लियर। पूछा किसके लिए गया है, ब्लेम के लिए पूछा गया है, तो आप रिवर्स में ब्लेम की स्पेलिंग पढ़ना शुरू कर दो, BLAME, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो दिया गया है रेट इक्वल्स टू 39, 18 एक 19 और 20 कितना हो गया, 39, क्लियर। फिर बात करें पिंक की तो 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25, 25 4 29 10 39 और 11 40 10 50, कुछ गड़बड़ जोड़ दिया मैंने, 16
और 9 25, 25 4 29 10 39 और 11, यानी कि यहाँ पे आपके विकल्प में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। अच्छा सॉरी, पिंक का कोड आपको दिया गया है, स्टार के लिए पूछा गया है, ठीक है। पिंक का कोड तो 50 ही आ रहा है, पूछा गया है स्टार के लिए। स्टार की अगर हम बात करें तो 19 19 और एक 20 20 20 40 और 18 58, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। कोड किसके लिए दिया गया है? फ्लावर के लिए दिया गया है, और फ्लावर का कोड दिया गया है और पूछा किसके लिए गया है? पुलिस के लिए। फ्लावर की बात करें तो एफ से जे, यानी कि कितने का डिफरेंस? 4 का, 6 4 10। लेकिन अगर हम बात करें एल से डब्ल्यू की, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस 4 का देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे फटाफट से लॉजिक की। तो एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर। कोड की बात करें तो जे डब्ल्यू ई एम पी और वी। बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे पैटर्न्स की। पैटर्न्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। 15 23 5 18 22 16 13 5 23 और 10। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लॉजिक की। तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक की बात करें, तो सबसे पहले जैसा कि आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको डायरेक्ट यानी कि सामने सामने ये बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बात किसकी करेंगे? हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पैटर्न की। पैटर्न की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन बनाया था फर्स्ट का इंटरचेंज, इसके साथ लास्ट के साथ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे चलिए 18 और 10 अगर आप ध्यान दें तो 28 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 और 23 आपको 28 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 और 23 अगेन आपको 28 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 और 13 आपको 28 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 और 16 28 और 22 और 6 28। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, सम ऑफ द अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27। और जब हम लोग अल्फाबेटिकल कोडिंग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब कभी भी क्या होगा अपोजिट लेटर में हम लोग प्लस वन करेंगे तो सम कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। ए के केस में क्या होगा? आपको अगेन ए देखने को मिलेगा, यानी कि ए का अपोजिट लेटर होगा जेड, और उसमें प्लस वन करोगे तो अगेन आपको ए देखने को मिलेगा। या फिर कई बार आपको अपोजिट लेटर माइनस वन भी देखने को मिलेगा, और वहां पर सम आपको कितना देखने को मिलेगा? 26। तो इसको आप इस प्रकार के सम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पी का अपोजिट होता है के, प्लस वन करोगे तो मिलेगा एल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। सी का अपोजिट आपका होता है एक्स, क्रैक्स, और एक्स में प्लस वन करोगे तो क्या मिलेगा? वाई। एक्स में प्लस वन करोगे तो वाई स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट आपको देखने को मिलेगा वाई। फिर हम बात करें आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है, तो थर्ड एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा आर प्लस वन, यानी कि एस, जो कि आपको तीन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करें एल का अपोजिट होता है ओ, ओ प्लस वन करोगे तो पी मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कैंसिल। और ओ की बात करें तो ओ का अपोजिट होता है एल, एल प्लस वन करोगे तो मिलेगा एम, यानी कि ये ऑप्शन भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लॉजिक की बात करें तो अपोजिट लेटर प्लस वन। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगले दिन मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बोला है स्पीक इक्वल्स टू 46। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? प्लेस वैल्यू की। तो 19 16 5 1 और 11। स्टोर के लिए भी आपको यहाँ पे कोड दिया गया है एस टी ओ आर ई, और स्टोर के लिए अगर हम कोड की बात करें तो दिया गया है 57, और इनके एलिमेंट्स की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 19 20 15 18 5। चलिए अब यहां से भी आप गेस कर सकते हो कि इनके अगर हम प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो 57 से आपको क्या मिलने वाला है? ज्यादा मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 20 20 और 20 40, 40 और 20 की बात करें तो 60 दो 62 और 5 67 10 77, यानी कि 77।
अगर हम स्टोर में दिए गए एलिमेंट्स के सम की बात करें तो आपको कितना मिल रहा है, 77, 8, 5, 13, 5, 18 और 9, 27, यानी कि 7 कह रही है, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 6, 7। चलिए अब अगर हम बात करें, यहाँ पे 77 मिल रहा है और दिया गया है 57, तो दूसरे हम लोगों ने अप्रोच की क्या बात करी थी कि जो भी यहाँ पे लॉजिक्स लगाए गए हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने जो भी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराई गई, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बाकायदे मेंशन किया गया है कि जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, सम ऑफ डिजिट्स के ऊपर काम, सम ऑफ प्लेस वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हो और दिए गए वर्ड के लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम करने पर आपको वो नंबर नहीं मिलते हैं, तो आपका अगला अप्रोच क्या होना चाहिए, उनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। और ऐसे केसेस में आपको अपोजिट लेटर लिख करके उसकी प्लेस वैल्यू लिख करके फिर ऐड करने की आवश्यकता नहीं, सिंपली क्या कर लेना है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसका मल्टीप्लाई किससे कर लेना है, 27 से। तो 5 2 जा करोगे तो 10 और 7 5 जा करोगे 35, यानी 135। इसमें से अगर हम माइनस करें 77 को, तो जो वैल्यू आनी थी अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू के सम की, वही वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 15 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 8, और यहां पे 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, 15 में से 7 गए तो 8 और 12 में से 7 गए तो 5, हमें कितना मिल रहा है, 58। और 58 में हमने क्या कर दिया, -1, तो वैल्यू हमको मिल गई 57। अब हम सेम देखेंगे यहाँ पे स्पीक के लिए भी, तो स्पीक में अगर हम एस के अपोजिट लेटर की बात करें तो एच प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8, P का अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू हो जाएगी 11, E का अपोजिट लेटर V प्लेस वैल्यू हो जाएगी 22, A का अपोजिट लेटर Z प्लेस वैल्यू हो जाएगी 26, K का अपोजिट लेटर P प्लेस वैल्यू हो जाएगी 16। 26 और अगर हम यहाँ पे बात करें 22 की, तो 6 2 8 यानी कि 48, यहाँ पे वैल्यू आपको ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये लॉजिक आपको लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, हम लोग बात करेंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट की, यानी कि यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट पर बेस्ड लॉजिक भी लगा हुआ हो सकता है। क्लियर? तो कई बार आपके पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप वेरियस टाइप के लॉजिक के साथ में फैमिलियर हैं तो आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स की, तो ध्यान दीजिए हम यूनिट डिजिट से इसको चेक करने वाले हैं। यहाँ पे 9 और 6 15, 15 और 1 16। देखो एस की प्लेस वैल्यू, पी की प्लेस वैल्यू और के की प्लेस वैल्यू, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 19 और 11 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 प्लस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, 46। यानी कि वॉवल की प्लेस वैल्यू को अपने को जोड़ना ही नहीं था। यहां पे अगर हम बात करें 19 और 20 की बात करोगे तो 39 और 18 की बात करोगे तो 57। वॉवल्स को हमने छोड़ दिया। यहां पे अगर हम बात करें तो 19, 8 और 14, 14 और 8 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22, 22 और 20, 42 माइनस 1 करोगे तो 41, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यानी कि लॉजिक की हम बात करें, यहाँ पे क्या था, सम ऑफ प्लेस वैल्यू तो था, लेकिन किसका, केवल और केवल कॉन्सोनेंट्स का। बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो दिया गया है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बेल इज रिटन एज प्लस एंड और एट द रेट, एट द रेट। वॉच के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और पूछा किसके लिए गया है, टॉल के लिए पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे आपका क्या होगा, जो पोजीशन होगी एलिमेंट की वो मैटर करेगा, और पूछा किसके लिए गया है, टॉल के लिए पूछा गया है। तो दोनों में अगर हम कॉमन एलिमेंट की बात करें, कि वॉच और टॉल में, तो टी आपको देखने को मिल रहा है, टी की पोजिशन यहाँ पे तीसरी है, तीसरे नंबर पे आपको कोड के रूप में देखने को मिल रहा है स्टार। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा स्टार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। ए के लिए कोड की बात करें तो ए के लिए कोड आपको देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें अगेन आपको एल और एल बेल में, यानी कि दो बार एट द रेट, तो दो बार आपको क्या मिलेगा, एट द रेट देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो किस पर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। चलिए अगेन यहाँ पे करना क्या है, आपने देख लिया सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, कलर किसके लिए पूछा है, डायरेक्टली आप आओगे किस पे, स्काई पे आओगे। स्काई का कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को अप्रोच लेफ्ट टू राइट, तो ब्लू को क्या कहा जाता है, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन, पहले सेंटेंस में आपको दिया गया था।
बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ह्यूमन ब्लड का कलर, डायरेक्टली आपको क्या देखना है, किसका कलर बताना है, और यहाँ पे देखना है मींस दिया है, कॉल्ड दिया है, या इज रिटन एज दिया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है मींस अप्रोच क्या फॉलो करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। तो रेड के लिए क्या है देखो यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका आंसर ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी। सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन की। बोला है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वायरस रिटन एज XKTWU। वी की बात करें तो वी की प्लेस वैल्यू 22 और एक्स की 24, आई की 9, के की 11, आर की 18, टी की 20, यू की 21, डब्ल्यू की 23, एस की 19, यू की 21, यानी कि +2। लॉजिक क्या लग रहा है, +2। पूछा किसके लिए गया है, ब्लड के लिए, तो यहां पर हो जाएगा डी। 12 दो 14 यानी कि N, 15 दो 17 यानी कि Q, Q और 4 दो 6। ऑप्शन की बात करें तो DNQF ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका किस पर, चाइनीज कोडिंग या फिर कॉमन कॉमन वर्ड कोडिंग। पूछा किसके लिए गया है कोड, टोमेटो इज टेस्टी के लिए, टोमेटो इज टेस्टी के लिए पूछा गया है। तो टोमेटो का कोड निकाल लेंगे, इसका कोड निकाल लेंगे और टेस्टी का कोड निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है इज, तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो HOR। यहां पे हमने क्या बनाया है, सर्कल। तो HOR क्या होगा, एज आ एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो कॉमन दिखाई दे रहा है आपको BIR। क्लियर। फिर हम बात करें यहां पे, ओके, इज मिल गया, टेस्टी मिल गया, और अगर हम बात करें यहां पे टोमेटो के कोड की, तो टोमेटो का कोड निकालने के लिए अपने को यहां पे पहले ग्रीन को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ग्रीन में अगर हम बात करें यहां, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में अपने को कॉमन दिखाई दे रहा है NAC, जो कि किसका कोड हो जाएगा, ग्रीन का कोड हो जाएगा। तो टोमेटो का कोड बचा PIC, यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में हमको मिलना चाहिए था PIC HOR और BIR। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ये तीन के तीनों एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। तो PIC BIR और HOR ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्लियर। बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले पूछे गए प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा किसके लिए कोड है, बाई के लिए। बाई आपको यहां देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको ओल्ड और बुक को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओल्ड और बुक्स दोनों ही आपको कॉमन एलिमेंट दिखाई देने, किसमें, फर्स्ट और थर्ड में। तो इन दोनों में आपके दो एलिमेंट कॉमन होंगे, और वो दो एलिमेंट कौन कौन से, टू और थ्री। तो रिमेनिंग क्या बचा आपका, सिक्स, यानी कि सिक्स कोड किसके लिए हो जाएगा, बाई के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में टॉप के लिए दिया गया है 9, नंबर ऑफ लेटर 3 दिया गया है 9, नंबर ऑफ लेटर 4 दिया गया है 12, नंबर ऑफ लेटर 5 दिया गया है 15। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर की बात करेंगे तो 3, 3, 6 और 4, 10, 11, यानी कि हम बात करें ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सिंपली आप देख सकते हो नंबर ऑफ लेटर 3 थे मल्टीप्लाइड बाय 3, नंबर ऑफ लेटर 4 था तो भी मल्टीप्लाइड बाय 3, नंबर ऑफ लेटर 5 था तो भी मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो 3, 3, 6, 4, 10, 11, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 33। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल के लिए कोड आपको दिया गया है THNQMD, ठीक है। एस की बात करें तो प्लेस वैल्यू 19, +1 20, आई की प्लेस वैल्यू 9, -1 करोगे, यानी कि लॉजिक की बात करें तो +1 -1 एम में, +1 पी में, +1 एल में भी +1 और ई में -1। ध्यान दीजिए तो -1 कहाँ कहाँ हो रहा है, -1 आई में हो रहा है, -1 ई में हो रहा है, यानी कि ये दो के दोनों क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 कर लेंगे, और कॉन्सोनेंट्स के लिए हम लोग +1 कर लेंगे। तो ओ का -1 और ए का -1, यानी कि ओ में -1 करोगे तो मिलेगा एन, और ए में -1 करोगे तो मिलेगा जेड।
एन और जेड की बात करें तो केवल केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो कंट्री के लिए आपको कोड दिया गया है और पूछा किसके लिए गया है, सरफेस के लिए। पूछा किसके लिए गया है, सरफेस के लिए। तो सी से ए माइनस टू, ओ से एम माइनस टू, यू से एस माइनस टू, एन से एम माइनस वन। अगेन आप यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हो गई आपकी मिड वैल्यू। यहाँ पे माइनस वन भी हो सकता है और अपोजिट लेटर भी हो सकता है, दोनों यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें टी से वी प्लस टू, आर से टी प्लस टू और वाई से प्लस टू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइनस टू हुआ फर्स्ट हाफ में, प्लस टू हुआ सेकंड हाफ में, और मिड वाले का अपोजिट भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है। एफ की बात करें तो एफ का अपोजिट होता है यू और माइनस वन होता है ई। ठीक है, माइनस वन करोगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो यानी कि अगर हम बात करें फोर्थ एलिमेंट, आपको चार के चारों में यू दिखाई दे रहा है। अपने को अब क्या करना है, फर्स्ट हाफ में माइनस टू करना था, एस माइनस टू करोगे तो मिलेगा क्यू, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। फिर उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट आपके सेम है, हम आ जाएंगे यहाँ पे प्लस टू में, यानी कि ए में प्लस टू करोगे तो मिलेगा सी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट हाफ को चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों आपके ऑप्शन में फर्स्ट हाफ के एलिमेंट सेम दिए गए थे। बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। क्वांटिटी इक्वल्स टू 37, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 37। विंटर के लिए दिया गया है 35, चलिए देखते हैं। विंटर में यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स आपके काम है तो हम लोग विंटर से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 23, 9, 14, 20, 5 और 18। तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है कि ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग किस पे काम करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। तो 3, 2, 5, 9, 5, 14, 1, 15, 15, 4, 19, 19, 2, 21, 21 और 5, 26, 26, 1, 27, 27, 8, 35। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियरली कि लॉजिक आपको क्या देखने को मिल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। यहाँ पे भी इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, तो 7, 1, 8, 8, 2, 10, 11, 1, 12, 12, 4, 16, 1, 17, 17, 2, 19, 19 और 9, 28, 28, 2, 30 और 7, 37। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं इसका सम ऑफ डिजिट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। पूछा किसके लिए गया है, पूछा गया है रोब के लिए, तो 8, 1, 9, 1, 10, 5, 15, 6, 21, 1, 22 और 5, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर, यानी कि देखो 8, 1, 9, 1, 10, 5, 15, 15, 1, 16, 16, 6, 22, 5, 27। बात कर लेते हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लॉक के लिए आपको कोड दिया गया है 16, की के लिए आपको कोड दिया गया है 9, विंडो के लिए कोड दिया गया है 36 और डोर के लिए कोड पूछा गया है। सारे के सारे नंबर्स आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हम यहाँ पे लॉजिक की बात करें तो नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर, जितने आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हैं उसी का अपने को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 16, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का सेशन, यानी कि अगर अब हम बात करें तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपको आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, जहां से आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको हमारे साथ डिस्कस कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी आपको चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया जा चुका है, जल्द ही आपको ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, जहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे वो आपके क्लास के ड्यूरेशन में कोई भी क्वेश्चन रहा हो, किसी भी लेक्चर से रिलेटेड रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहा हो,
या फिर जो आपको शीट प्रोवाइड कराई गई है उस पार्टिकुलर शीट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है तो आप उसको हमारे साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। बाकी आपको क्या करना है, क्लासेस को प्रॉपर देखना है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको क्या करना है, साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन शॉर्ट नोट्स को आपको क्या करना है, रिविजन के तौर पर एक बार देख लेना है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट, जिसमें आपके पास सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या कर लेना है, उन क्वेश्चंस को आपको हल कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, चाहे वो आपका सेशन से रिलेटेड हो या फिर प्रैक्टिस शीट से रिलेटेड हो, अगर डाउट आता है तो उसको क्लियर जरूर करिए, उसको डिस्कस जरूर करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।